All right, let's move on to another developing political story right bang in the national capital where the Aam Aadmi Party is concerned. Well, the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, today ducked questions from the media on the open rift within his party. Kejriwal was at an event in Delhi. When questioned by the media about Prashant Bhushan and Yogendra Yadav's ouster from the PAC, as well as now ouster from the party itself, he refused to speak, but let's listen in to his reaction there. Sir, Rashan pe sir, sir, please, sir, please, please, sir. Well, what the Aam Aadmi Party is now staring at is a huge internal split. Fate of Yogendra Yadav and Prashant Bhushan to be decided tomorrow. But before that, they have decided to address a press conference. Now, what will they say in this press conference? What charges will they make? Because now what they are staring at is imminent ouster, not just from the national executive, but from the party as well. This press conference has been announced by Yogendra Yadav and Prashant Bhushan just about 2 hours back, when it seemed all was clear where to pave the ouster of both of them from the Aam Aadmi Party. As well, yesterday you could see a complete breakdown in talks from both camps, the Arvind Kejriwal and the Prashant Bhushan Yogendra Yadav camp. You heard many reactions there, but what is now imminent is an internal split. Its founding members, the Aam Aadmi Party's founding members, Yogendra Yadav, Prashant Bhushan, holding a press conference now, staring at a possible ouster from the party itself. Now, it seems that the Aam Aadmi Party, that two resolutions will be presented at tomorrow's National Council meet of the party. The two resolutions include one on removing the two from the party for anti-party activities, as well as removing the two from the national executive. All right, let's listen in to the press conference by Yogendra Yadav and Prashant Bhushan. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात सुनने यहाँ आए. मेरी उम्मीद है कि आप सब इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में किसी मसाले के इंतजार में नहीं आए हैं ताकि हम आपको निराश ना करें. दोस्तों, आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है. ये पार्टी इस देश के एक अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुई है. स्वराज का आंदोलन, इस देश के लोकतंत्र के शुद्धिकरण का आंदोलन, पारदर्शिता, शुचिता, मर्यादा और सत्ता वापस जनता के हाथ में देने का आंदोलन, इस अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुआ ये दल इस देश की राजनीति में नई मर्यादा स्थापित करने आया है. जाहिर है, इस आंदोलन से, इस पार्टी से देश के लोगों को बहुत उम्मीद रही है, आज भी है. पिछले एक महीने की घटनाओं से बहुत कुछ टूटा, इस सच को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए. बहुत कुछ टूटा है, कुछ विश्वास टूटा है, अनेक लोगों की, वॉलंटियर्स की, समर्थकों की आशाएं टूटी हैं. लेकिन एक बड़ी बात है, ये देश की एकमात्र पार्टी है जिसमें आज भी आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पे चर्चा हो रही है. देश की तमाम पार्टियों में चर्चा बंद हो चुकी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी में चर्चा हो रही है. पारदर्शिता की एकमात्र पार्टी है जिसमें पारदर्शिता के सवाल पे, मर्यादा, कोड ऑफ कंडक्ट के सवाल पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल पे, वॉलंटियर की आवाज कैसे सुनी जाए सवाल पे, संगठन में
संगठन के भीतर स्वराज कैसे स्थापित किया जाए, इस सवाल पे चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि ये चर्चा अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसमें आप मीडिया वालों का बहुत योगदान रहा है, न जाने कितने आर्टिकल छपे हैं पिछले महीने भर में। महत्वपूर्ण बात वो दो व्यक्ति नहीं है जिनके नाम से, जिनके बहाने से वो आर्टिकल छपे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में लोगों ने इस पे बातचीत शुरू की है कि पार्टियों के अंदर होता क्या है। मैं देखता हूं कि पिछले एक महीने में और उससे पहले जो कुछ आम आदमी पार्टी में उथल पुथल की तरह आया, जिसको कई बार बड़े मसाले लगा के पेश किया गया, जिसको कई बार बहुत ही एक व्यक्ति के फ्रेम से देखने की कोशिश की जो सामान्यतः हो जाता है, वो दरअसल इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन की आत्मा बचाए रखने का संघर्ष है। इस सब में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सिर्फ निमित्त है, जैसे आम आदमी पार्टी खुद एक निमित्त है इस देश के अंदर कुछ बड़ा होने का। ये हमारे मुद्दे नहीं है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है। इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजारों हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने अपनी उम्मीदें बांधी थी, और आज भी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर लोग बैठे हुए दिल्ली के चुनाव परिणाम पे जब दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग जब दिल्ली चुनाव परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हैं, भंगड़े डालते हैं, घूमते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि केवल इस पार्टी में कुछ है, बल्कि इसलिए कि इस अभूतपूर्व आंदोलन की आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं। तो जो मुद्दे हम दोनों ने उठाए हैं ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये उन सब लोगों के मुद्दे हैं जो दिल्ली से सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठ के भी टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इससे जुड़े रहते हैं। हमने जो सवाल उठाए वो आप सबके सामने हैं, और इसके सारे दस्तावेज एक बार फिर हम आप सबको आज बांट रहे हैं। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी संख्या में आप आएंगे, कमी पड़ जाएगी तो हम उसे शाम तक ठीक कर देंगे। मुद्दे क्या थे? मूल मुद्दा था कि जिस स्वराज को हम पूरे देश में लाना चाहते हैं वो स्वराज इस पार्टी के भीतर होगा या नहीं, किस तरह से एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो स्वराज के लिए संघर्ष करे और स्वराज स्थापित करते हुए संघर्ष करे। हमने सवाल उठाए राज्यों की स्वायत्तता के, और उसमें बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम बात उठाई, क्योंकि पार्टी से ये उम्मीद करना कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए वो होता नहीं है। हमने बिल्कुल मिनिमम सवाल उठाया कि राज्य इकाई को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव का अधिकार राज्य इकाई स्वयं फैसला कर सके, बाकी फैसले बाद में धीरे धीरे होते जाएंगे। दूसरा सवाल कि जो मर्यादा उल्लंघन के मामले हैं उसकी जांच हो जाए, पार्टी के अपने लोकपाल द्वारा जांच हो जाए। आप सबको याद होगा, न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने एक साथ की थी, और मुझे याद है कि उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब टेबल के इस तरफ बैठ के कहते थे, कभी कपिल सिब्बल को कहते थे, कभी मनमोहन सिंह को कहते थे, कभी नरेंद्र मोदी को कहते थे कि भाई जांच तो करवा लो, हम तो केवल जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वही मांग हमने फिर की है। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो तीन चार बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था, और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला था। हमने कहा कि बाकी सब पार्टियां क्या करती हैं, ये सवाल उठ जाते हैं, पार्टियां सोती रहती हैं, कहती हैं अदालत 10 साल में फैसला देगी तब देखेंगे। आम आदमी पार्टी ये नहीं कर सकती। हमने न्यूनतम से न्यूनतम कहा कि पार्टी अपने ही आंतरिक लोकपाल से इसकी जांच करवा ले, बस। तीसरा मामला हमने उठाया कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इसका प्राण है, वॉलंटियर की बात सुनी जाए।
वॉलंटियर को उस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने वॉलंटियर को वर्कर को ट्रीट करते हैं। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे बाद में उसकी बात मानी जाए ना मानी जाए। और चौथी बात हमने कही कि पारदर्शिता का सिद्धांत जो हम सारी दुनिया पे लागू करते हैं वो हम अपने आप पे भी लागू कर लें। आपको याद होगा, पत्रकार साथियों को तो याद होगा, जब CIC का जजमेंट आया था कि RTI में पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी, मैं भी उनमें से एक था जिसने छाती ठोक के कहा था कि हम इसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो RTI में विश्वास करती है और हमारी पार्टी पे ये लागू होगा। हमने यही मांग की, हमने कहा कि उस RTI को CIC के ऑर्डर के हिसाब से आम आदमी पार्टी को उसके अंदर ले आइए। ये चार चीजें हमने मांगी थी। और इसके साथ हमने कहा पांचवा मुद्दा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने रिक्त पद पड़े हैं उन सब पदों को जैसा संविधान कहता है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीक्रेट बैलेट के जरिए उनको भर दिया जाए। केवल ये पांच मुद्दे हमने उठाए थे। 17 तारीख को हमने इसके ऊपर एक नोट दिया था, वैसे उस नोट को कल त्यागपत्र की तरह पेश किया गया। मैं आप सबको कहूंगा पत्रकारों वगैरह को भी सावधान रहिएगा, आगे से कभी आपने कोई चिट्ठी लिख दी जिसमें शब्द रेजिग्नेशन हुआ तो उसको त्यागपत्र की तरह दे के कबूल कर लिया जाएगा। शायद हमारे साथी समझते नहीं है, एक कंडीशनल ऑफर टू रिजाइन, यदि ये हो जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, और ये कहना कि ये मेरा त्यागपत्र लीजिए इसे स्वीकार कीजिए, इन दो में बहुत अंतर होता है, आप सब जानते हैं। शायद कल शाम को हम सब भूल गए थे इस बात को। तो हमने कहा था 17 तारीख को नोट देके कि अगर ये पांचों चीजों में न्यूनतम जो हमने डिफाइन किया है वो पार्टी स्वीकार कर लेती है तो ये नहीं हम हर पद छोड़ने को तैयार हैं। हमें एक चीज का संतोष है कि हमारे बहाने चर्चा शुरू हुई, पिछले महीने भर चर्चा हुई है और हमारी उम्मीद है कि कल की राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी, नेशनल काउंसिल की जो बैठक होगी, उसमें भी इन गंभीर मुद्दों पे चर्चा होगी बजाय कि जो नॉन इश्यूज उठाए जा रहे हैं उस पर। और हमें उम्मीद है कि ये चर्चा पार्टी के किसी मीटिंग के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी काउंसिल में बंद नहीं होगी, ये चर्चा चलती रहेगी क्योंकि ये इस आंदोलन के मूल सवाल है। कल राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक है, प्रशांत जी उसके बारे में कई सवाल उठाएंगे। मैं एक मोटी चीज कहना चाहता हूं, उस काउंसिल के सामने क्या मुद्दे नहीं हैं और क्या हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव किसी कमेटी में रहें ना रहें। वैसे राष्ट्रीय परिषद का अधिकार है कि वो किसी को रखे ना रखे, किसी को हटाए, ये उसका पूरा अधिकार है। विधि विधान के हिसाब से करते हैं तो उनका पूरा अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है इसमें 5-10 मिनट से ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण नहीं होते इस चीज़ के लिए। दूसरा, पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर कौन होगा, ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा किसी तरफ से उठाया नहीं गया है, हमारी तरफ से एक बार भी नहीं उठाया गया है। और पार्टी के संविधान के तहत राष्ट्रीय परिषद वो जगह ही नहीं है जहां पे सवाल उठ सकता है। मैं बड़ा हैरान हूं कल अपने साथियों की बातें सुन सुन के कि मेरे को कल शाम को बताया जा रहा है कि अब ये राष्ट्रीय परिषद में तय होगा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कन्वीनर होंगे या नहीं। मैं सबको पार्टी के संविधान की कॉपी भेंट करना चाहता हूं। पता नहीं क्यों पिछले 15 दिन से पार्टी की वेबसाइट से संविधान हटा दिया गया है, लेकिन हमारे पास कॉपी बची है, मैं उनको भेंट करना चाहता हूं। पार्टी के संविधान के तहत नेशनल काउंसिल वो जगह नहीं है जहां नेशनल कन्वीनर का कोई फैसला हो सकता है, केवल नेशनल एग्जीक्यूटिव है जो इस पे फैसला ले सकती है। पता नहीं क्यों ये बात की जा रही है, ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ भी सवाल उठाइए, आप कहिए पार्टी में RTI आना चाहिए, जवाब मिलता है अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं कि नहीं है बताइए। आप कहते हैं कि राज्यों को पंचायत का चुनाव करने का फैसला मिलना चाहिए, जवाब मिलता है कि आप अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं।
ये अरविंद भाई के साथ अन्याय है, ये उनके सहयोगी अरविंद भाई के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। हर छोटे बड़े सवाल को राष्ट्रीय संयोजक से जोड़ना राष्ट्रीय संयोजक का अपमान है, उसकी अवमानना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सवाल है क्या? सवाल ये है कि क्या ये पार्टी, क्या इस अभूतपूर्व आंदोलन से निकली ये पार्टी इस देश की बाकी पार्टियों जैसी पार्टी बन जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश ने आम आदमी पार्टी को एक और पार्टी की तरह नहीं देखा। चुनाव आयोग के पास कोई 1500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। लोगों ने देखा कि ये अलग तरह की पार्टी है। क्या वो बनी रहेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी एक और क्षेत्रीय दल बन जाएगी, जैसी बीएसपी है, जैसी सपा है? सफल है, सब सत्तावत्ता में आते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते रहते हैं इन सब पार्टियों के। क्या आम आदमी पार्टी एक और स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी बन जाएगी, या कि उसकी एक राष्ट्रीय आकांक्षा बनी रहेगी? सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने वॉलंटियर को उसी तरह से ट्रीट करेगी जैसे बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ट्रीट करते हैं, यानी कि उनके सुनने की कोई जरूरत नहीं, चुनाव से एक महीना पहले उनसे बात कर लें, या कि इस पार्टी में वॉलंटियर की आवाज़ सुनने का एक तरीका रहेगा? सवाल ये है कि क्या ये पार्टी दूसरों से पारदर्शिता मांगेगी या कि खुद भी पारदर्शिता को प्रैक्टिस करेगी? क्या ये देश की ऐसी पहली पार्टी बनेगी, एक मायने में है, चुनाव के फंड का जो आने का देश की कोई पार्टी नहीं बताती है, केवल आम आदमी पार्टी बताती है। क्या बाकी सब चीजों में भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनेगी जो इन सारे तथ्यों को देश के सामने रख के पहली पारदर्शी पार्टी बने? क्या आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनेगी जो अपनी मर्यादा और ईमानदारी का जो मुद्दा था उस सवाल पे कायम रहे? एक ऐसी पार्टी जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक किसी की भी जांच आप करवा सकते हैं और लोगों को उस जांच पे भरोसा हो कि हाँ ये तो ईमानदारी से जांच हुई है, ये बड़ा सवाल है। आज जैसा मैंने कहा, ये आम आदमी पार्टी नामक आंदोलन की आत्मा को बचाए रखने का संघर्ष है, ये कोई दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है। इस पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता वो महसूस करते हैं जो हमने संयोग से कहा है, ये उनके मुद्दे हैं जो संयोग से हमें कहने का मौका मिल रहा है। ये संघर्ष चलता रहेगा।